सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस जगह के बारे में, अगर आप दिल्ली रहते हैं और अगर आप अपना वीकेंड सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो 110 किलोमीटर दूर है ये जगह सिर्फ दिल्ली से। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। और आज का जो व्लॉग है यार वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने इस खूबसूरत शहर को जिसको कहते हैं अनूप शहर, जो कि मेरा होम टाउन है। होलिया देख रहे हो, पहले करते हैं इस होलिया को चेंज और फिर मैं लेके चलता हूँ आपको शहर के सफर पर। मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रखा है और इस मौसम में जो मज़ा है वो मज़ा है बाइकिंग का। और मैं अभी निकल चला हूँ बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे जो कि मेरे होम टाउन के अंदर है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी जगह है। तो उससे पहले एंजॉय कीजिए यहाँ के नज़ारे। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस जगह की अपनी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, वो सारी स्टोरी मैं आज आपको बताऊंगा इसी व्लॉग के अंदर। और ये व्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरे होम टाउन से जुड़ा हुआ है और जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अभी हम दोनों भाई, मैं और मोंटी, हम दोनों लोग जा रहे हैं उस लोकेशन पर। और आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ये यार नया कैमरा वाकई में बड़ा ज़बरदस्त है, स्टेबलाइजेशन भी इसका अच्छा है। हालांकि DSLRs में इतने अच्छे स्टेबलाइजेशन नहीं होते, लेकिन इस कैमरा के अंदर काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन मुझे मिल रहा है। ये देखिए सामने आ चुकी है JP यूनिवर्सिटी और यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट और यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे मस्तराम बाबा। देखिए गाइस, जहाँ हम लोग अभी घूम रहे हैं यहाँ पहले जंगल हुआ करता था, JP ने इतना डेवलपमेंट किया है तो इसलिए हम आज यहाँ पे घूम पा रहे हैं। और देखिए आप सामने भी देख पा रहे होंगे, तो आप लोग भी एंजॉय करिए इस राइड को। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। कल रात भी हम लोग आए थे लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी और मौसम जो था बहुत ज़्यादा ख़राब था, कैमरा बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि आज दिन में आते हैं और शूट करते हैं एक बढ़िया मज़ेदार और ज़बरदस्त व्लॉग। और यहाँ हमारे अमित भाई बैठे हुए हैं। अमित भाई क्या चल रहा है? बढ़िया, सब आनंद मस्ती। आनंद का मज़ा हमारे अमित भाई लेते हैं यहाँ, सबसे ज़्यादा आनंद इन्हीं का है मस्तराम बाबा के पास में इतने बढ़िया सुंदर वातावरण के अंदर हरे भरे में एंजॉय करते रहते हैं। तो ज़िंदगी है तो हमारे अमित भाई की है। सिक्योरिटी वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, अगर आप बाइक से आते हैं गाड़ी से आते हैं तो सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है। हमारे गार्ड साहब पूरे तरीके से अपनी सेवाएं आपको उपलब्ध कराते हैं, आपके वाहनों की सुरक्षा करते हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी जगह है। और अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा कैसा है। तो यहाँ जो आने जाने वाले हैं उनका तांता हमेशा लगा रहता है, भीड़ हमेशा लगी रहती है, साफ़ सफाई रहती है यार, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इशू नहीं होता। और देखिए प्यारी प्यारी सड़कें हैं और यहाँ जो अभी आप पूरा नज़ारा देख रहे हैं ये सारा का सारा पूरा इलाका आप देख रहे हैं, पीछे यहाँ जंगल हुआ करता था, सारा दूर दूर तक जंगल था, कुछ था ही नहीं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग नज़ारे इस खूबसूरत जगह के। यहाँ आपने देखा ये सब नज़ारा था गंगा माँ का। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस समाधि पर जो कि मस्तराम बाबा की समाधि है, जहाँ सब लोग आते हैं दर्शन करने। और ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी बाग ख्वाहिश जो है ज़रूर पूरी होती है दिल की। और जितना डेवलपमेंट आपने यहाँ देखा, जितना पैसा यहाँ लगा है, वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने 1% नहीं लगाया है, यहाँ सारा पैसा लगाया है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं JP ग्रुप के मालिक जयप्रकाश गौड़ साहब, उन्होंने, क्योंकि उनकी बहुत मान्यता थी यहाँ मस्तराम बाबा के अंदर। इनफैक्ट हम भी लोग मानते हैं, हमारे भी गुरु हैं। तो एक बार चलते हैं अंदर समाधि पर और देखते हैं कैसा है अंदर का नज़ारा।
तो ये जो जगह है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। आज जो आपने नज़ारा देखा यहाँ का, ऐसा यहाँ का नज़ारा बिल्कुल भी नहीं था, ना ये दीवारें थी, ना ये सब जाल थे यहाँ, और ना ये सब मंदिर वगैरह थे। और जो पीछे आपने पार्क देखा, पूरा जो एरिया था बाहर, ये भी कोई एरिया नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले। यहाँ सिर्फ एक बाउंड्री हुआ करती थी बहुत छोटी, और पूरे पे बाउंड्री थी, नीचे पत्थर वगैरह तक नहीं थे, बहुत ही कच्चा मिट्टी का पूरा फ्लोर था। यहाँ नीचे गंगा जी दिखाई देती थी, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हुआ करता था, प्राकृतिक नज़ारा था। और उसके बाद में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जेपी गौड़, वो यहाँ आए, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगाया, पूरे एरिया को डेवलप किया, इसीलिए क्योंकि उनको ये लगता था कि जितनी भी सक्सेस उन्होंने पाई है अपने बिजनेस के अंदर, वो यहाँ मसरम बाबा की वजह से पाई है। आज भी जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, सभी लोग यहाँ बाबा के पास अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अर्जियाँ आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरीके की चिट्ठियाँ होती हैं। तो देखिए, कुछ ऐसी चिट्ठियाँ होती हैं, लोग आते हैं यहाँ अपनी चिट्ठियाँ लगाते हैं और उन पे अपनी सारी की सारी अर्जियाँ लिखते हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को अलग डिपार्टमेंट चाहिए, या किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पूरा सब लोगों ने लगाई हुई है पर्चियाँ। अगर आप यहाँ आते हैं और पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कोई IAS है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो सभी इसी तरीके के लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो बहुत सारी पर्चियाँ हैं, अर्जियाँ हैं। कोई किसी की पर्चियाँ नहीं पढ़ता, किसी की अर्जियाँ नहीं पढ़ता, उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। मांगे जो हैं बाबा से जो पूरी हो जाती हैं, तो वो लोग यहाँ ज़रूर आते हैं दर्शन करने। और यहाँ देखिए एक बड़ी ही स्पेशल चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ये एक पीपल का पेड़ है और यहाँ ओम बना हुआ है, इधर भी और इधर भी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है कि पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, लेकिन जब बाउंड्रियाँ बना रहे थे तो उनको लगा कि ये टहनियाँ काटनी पड़ेंगी, तो काट दी, लेकिन उसकी जगह ओम बना दिया। तो कुछ ऐसा ही है। और नज़ारा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से चलते हैं, एक बार नीचे आपको दिखाता हूँ नीचे का नज़ारा कैसा है। और मोंटी अपना रथ लेकर के आ चुके हैं। और गाइस, चश्मा इसलिए लगाना पड़ रहा है मुझे आज, क्योंकि यहाँ ना कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, बारिश होने से बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए हैं और आँखों में जाते हैं, घुसते हैं अंदर। थोड़ी सी बाइक आगे चले या स्कूटी आगे चले तो ये शुरू हो जाता है, इसलिए चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगा करके कीड़े जो हैं इसे टकरा जाते हैं और मेरी आंखें जो हैं सुरक्षित हो जाती हैं, तो बड़े फ़ायदेमंद है भाई। आरती की तैयारी चल रही है और आप लोग आरती करने जा रहे हैं। तो अभी आरती चलने वाली है, थोड़ा लंबा हम लोग जाते हैं क्योंकि दिन छुप जाएगा और भी बहुत सारी जगह है इंटरेस्टेड दिखाने के लिए आप लोगों को, तो चलते हैं पहले वहाँ। तीनों खतरनाक लड़के हैं, बिल्कुल किच्ची बॉयज हैं ये, और ये किच्ची बॉयज पीछे चल रहे हैं। पबजी पे जो सबसे ज्यादा लोगों को मारता है, देखो किच्ची बॉय है, किच्ची बॉय के नाम से फेमस है हमारा भाई। ये रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है सीधे सामने हनुमान जी की मूर्ति तक। ये जगह सबसे फेमस है, यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, चिल करते हैं। और देखिए सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, यहाँ अगर आप बाहर से आ रहे हैं और अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिए, वो आपको अलाउ कर देंगे। और कैंपिंग करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस नियर बाय दिल्ली। एंड गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अभी मैं जहाँ घूम रहा हूँ वहाँ अब से पहले शमशान घाट हुआ करता था, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और जब इस जगह को डेवलप किया गया तो उसको यहाँ से हटा दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया और यहाँ बना दिया गया ये हनुमान जी का स्टैचू, जो कि हमारे जस्ट पीछे है। यहाँ ये जो स्टैचू है,
ये बना दिया गया हनुमान जी का कि लोगों को यहाँ पे आने में डर ना लगे। इससे पहले यहाँ शमशान घाट हुआ करता था, कोई आता नहीं था रात के समय, क्या दिन के समय लोग आने से डरते थे, ऑब्वियसली जगह ही ऐसी थी। और वो जो घाट है वो बना दिया गया आगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अब से थोड़ी देर बाद। और ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको जगह कैसी लग रही है। शाम के वक्त देखो यहाँ पब्लिक कैसे घूमती रहती है, यहाँ लोग आते रहते हैं लगातार। पार्किंग है पूरी, सब व्यवस्था है गाड़ी खड़ी करने की, लोग आते रहते हैं। और सामने मिलता है नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। यहाँ जो आने का मज़ा है वो बेसिकली हमने स्पॉइल कर दिया, क्योंकि हम लोग इस वक्त आए, शाम के वक्त आए। अगर हम लोग दिन के वक्त आते तो अलग ही मज़ा आता है यार, दोनों तरफ फाउंटेन्स है कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। मंदिर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जगह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी अभी दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा ब्लॉग बाकी है। ये जितना भी डेवलपमेंट हुआ है अनूप शहर के अंदर, ये कुछ ही सालों का डेवलपमेंट है, पिछले 10 सालों के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ हुई हैं और बहुत ही अच्छा हो गया है अनूप शहर। अनूप शहर नाम है, जिन लोगों को डाउट हो कि आखिर कौन सी जगह है जिसके बारे में लगातार मैं बता रहा हूँ, आखिर कौन सा मेरा होम टाउन है जिसके बारे में लगातार बता रहा हूँ, और आखिर ऐसी कौन सी जगह है जो दिल्ली के इतनी पास है और जहाँ अपना वीकेंड बिता सकते हैं, तो उस जगह का नाम भी अनूप शहर ही है। अनूप शहर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। विकिपीडिया लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और ये ब्लॉग थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुआ वो इसलिए क्योंकि जगह भी एक्चुअल में स्पिरिचुअल है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह है। तो आज की इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि जगह आपको कैसी लगी। और अगर कभी आना चाहें तो जनाब पधारो हमारे देश।